चाइना के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और ब्लैक टी उत्पादन में इंडिया नंबर वन पर आता है। इंडिया दुनिया में चाय के चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है। भारत ब्लैक टी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और जो कि विश्व की कुल खपत का 18% है। भारत में मुख्य चाय उगाने वाले क्षेत्र जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जिसमें असम भी शामिल है, नॉर्थ बंगाल जिसमें दार्जिलिंग और डुआर्ज क्षेत्र भी आता है, एवं दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय उद्योग पिछले कई वर्षों से कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है एक छोटा सा कीड़ा जिसको हम लोग टी मॉस्किटो बग के नाम से भी जानते हैं। टी मॉस्किटो बग, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलोपेल्टिस एंटोनी है और इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है और ये मिरिडी फैमिली का सदस्य है। ये कीट चाय के अलावा कोकोआ और काजू में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये कीट चाय की कोमल पत्तियों को खाता है और चाय की झाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। टी मॉस्किटो बग की वजह से चाय के उत्पादन में काफी गिरावट आई है, खास करके तमिलनाडु के बालपराई क्षेत्र में, जहां एक दशक में उत्पादन लगभग 50% तक गिर चुका है। तमिलनाडु के बालपराई क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में उत्पादन 30 मिलियन किलोग्राम तक दर्ज किया गया था, जो कि अब गिर करके 2021-22 में मात्र 16.73 मिलियन किलोग्राम ही रह गया है। ऐसा नहीं है कि समस्या के समाधान के लिए किसान कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में चाय उत्पादक हर साल कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रति हेक्टेयर लगभग 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कीटनाशकों का अधिक विकल्प का न होना। इस वजह से उस क्षेत्र में समस्याएं और अधिक बढ़ चुकी हैं। भारतीय चाय को सुरक्षित और हानिकारक अवशेषों से मुक्त बनाने के लिए टी बोर्ड ने 2014 में प्लांट प्रोटेक्शन कोड के गठन के बाद कुछ कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में केवल 7 कीटनाशकों के उपयोग के लिए ही मंजूरी दी गई थी। एक और बड़ी समस्या यह है कि टी मॉस्किटो बग अपने आप में ही बहुत सारे बदलाव कर रहा है। टी मॉस्किटो बग को कभी गीले मौसम का कीट माना जाता था और यह पहले कम ऊंचाई वाले बागानों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह कीट तेजी से ऊंचाई वाले बागानों में भी फैल रहा है और यह स्थिति भारत में चाय उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए भारत सरकार को टी मॉस्किटो बग को नियंत्रित करने और चाय उद्योग की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है।